बिहार वो भूमि है जहाँ 10 वर्ष में पूरी राजनीतिक व्यवस्था पीछे बदलती रही। 90 के दौर में लालू थे, 2000 के दौर में नीतीश कुमार है, 2010 के दौर में भाजपा मोदी है। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हुआ और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी कांग्रेस 84 के बाद के यहाँ जीरो पर कैसे आ जाते। इस समाज ने जाति धर्म सब भूल कर मोदी को जिताया। उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की और जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज भाजपा कर रही है। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो गई। पटना में सोमवार को फ्रेश सम्मेलन कर प्रशांत किशोर ने क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। 2014 से पहले बीजेपी वजूद में नहीं आई थी। 1984 में संसद में बिहार से सांसद प्रतिनिधि भेजने में कांग्रेस का प्रभुत्व था और 89 में जनता दल का, 2000 में किसी एक का नहीं था। 2014 से बीजेपी प्रभुत्व में आई। प्रशांत किशोर ने कहा कि आगे कमल कीचड़ में नहीं फंस सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार में थोड़े से सीट के लिए सौदाकारी की और इससे क्षेत्रीय पार्टी राजद और जेडीयू की बढ़त हो गई। देखिए और सुनिए प्रशांत किशोर को। एक ही जगह चिपका हुआ है, अब आंकड़ों से बिल्कुल ये उलट बात आपका है। 2014 से पहले भाजपा यहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था। 14 में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हटकर अपना गठबंधन बनाकर 30 से ज्यादा MP जीत गया, तो कैसे वोटर चिपका हुआ। 84 में इसी बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। 89 में जनता दल को जिताया, 95 में लालू यादव को जिताया, 2000 के बाद लालू जी और किसी को गठबंधन नहीं दिया, 2014 में मोदी को जिताया, 2019 में 40 में 39 सांसद NDA को जिता दिया, इस बार फिर 30 दिया है। और आप कह रहे हैं कि भाजपा वोटर कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर कीचड़ में फंसा होता तो लालू जी कांग्रेस 84 के बाद से यहाँ जीरो पर कैसे आ जाती। लालू जी 54 में 53 MP जीतने वाले जीरो पर कैसे आ गए। नीतीश कुमार 25 MP के को 2 MP पर कैसे जनता ने उतार दिया। आप एक मिनट अरे आइए आपकी बात पर आ रहे हैं। पहले तो अपना जानकारी ठीक कर लीजिए कि बिहार में स्टैटिक है, ये ऊपर से चीजें स्थिर दिखती हैं। समुद्र को दूर से देखिएगा तो बड़ा स्थिर दिखेगा, नजदीक कर गहराई से देखिएगा तो आपको करंट फील होगा। बिहार वो भूमि है जहां 10 वर्ष में पूरी राजनीतिक व्यवस्था पीछे बदलती रही है। लालू जी का वर्चस्व 90 के दौर में रहा, 2000 आते आते लालू जी का वर्चस्व खत्म हो गया। 80 के दौर में कांग्रेस थी, 90 के दौर में लालू थे, 2000 के दौर में नीतीश कुमार है, 2010 के दौर में भाजपा मोदी है। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हुआ, आप उसको देख नहीं रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति का फैक्टर जिस तरह बिहार को बदनाम करने के लिए कहा जाता है उस तरह से नहीं है। अगर होता तो नरेंद्र मोदी की जाति का यहाँ कौन है। कहा जाति पर वोट पड़ा, आप हमको बताइए इस बार 30 को सीट मिला है NDA को। ज्यादातर लोगों का आकलन है कि नीतीश कुमार का तो नहीं है, मोदी के नाम पर वोट पड़ा। आप में से जो जो समझते हैं कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है, तो जरा गिन कर बताइए कि मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है, मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। भाजपा का मोदी का गुनाह ये है कि जिस बिहार को जातिवादी समाज कहकर लोग हंसते हैं, अनपढ़ कहते हैं, हम लोग को बेइज्जत करते हैं, उस समाज ने जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के एक लड़के को राजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आपने आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं,
अगर 12-15 साल में मोदी जी ने, अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम नंद चुनाव का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के बनने और काम करने में बाहुबलियों की कोई भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। उनकी पार्टी जब बनेगी तो लोग देखेंगे कि पार्टी के नेतृत्व में खुद प्रशांत किशोर से भी ज्यादा चरित्रवान, योग्य और महत्वपूर्ण लोग नेतृत्व में होंगे। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया कि ये तो पहले से जो दल कह रहे वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए, जन सुराज में जगह पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत, कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन सुराज में शामिल किया जाए। तो जो जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, वो इसलिए है कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं। बिहार की जनता को जो हमने वादा किया कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी, बाकी आप हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, इस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। इस तरह 2 अक्टूबर से पार्टी के निर्माण के संदर्भ में उन्होंने अपने को केंद्र में रखकर और क्षेत्रीय पार्टियों को कटघरे में रखकर अपनी दलील शुरू की है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जहां मुखिया बन जाने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि हमको बहुत हमारे जान पर खतरा है, बिहार में जान का खतरा है, बिना बाहुबल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी जनसराज की यात्रा देखी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है लेकिन इसमें एक सिपाही और हवलदार न पहले दिन था, न आज है, न आगे होगा। तो जितने लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बाहुबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि बिहार में आपको राजनीति करने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए। दूसरी कसौटी इसकी ये होगी कि मैंने कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा, लोगों ने कहा अरे अभी तो कह न रहे, देखिएगा यही बनेंगे। तो 2 तारीख को आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर जब तक पदयात्रा जो कर रहे थे वही वापस 2 के बाद भी करते नजर आएंगे। 2 तारीख को नया नेतृत्व बिहार से घोषित कर देंगे। बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। क्यों कह रहा हूं मैं, लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है, बिहार की जनता ने उनको एक एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में, एक एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी दंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया, यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे है, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद में 1 घंटा बैठे हुए भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है आदमी को। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति, जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया,
भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे।